हेलो दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ लताफा एक परफ्यूम जो कि है वादी अलोद या फिर ओद फॉर ग्लोरी। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक हाई एंड परफ्यूम यानी कि नीच परफ्यूम का क्लोन आप बोल सकते हैं, जो कि है ओद फॉर ग्रेटनेस बाय इनिशियो परफ्यूम्स। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस परफ्यूम को आप लोग ब्लाइंड बाय कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स जो कि काफ़ी हैवी दिखता है और लताफा ने इस प्राइस रेंज में काफ़ी एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बढ़िया प्रेजेंटेशन मैं कहूँगा। तो ये है इसका बॉक्स, फ्रंट साइड में ओद फॉर ग्लोरी बाय लताफा। यहाँ पर आपको एक ग्लास पैनल मिल जाएगा जो कि PVC का है। यहाँ पर वादी अल ओद लिखा हुआ पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लताफा का ब्रांडिंग, फिर वादी अलोद 100 ml और कुछ डिटेल्स। तो ये जो बॉक्स है ये ऐसे खोलता है, यहाँ पे आपको कुशनिंग मिल जाएगा जहाँ पे परफ्यूम रहता है। और एक चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो बॉटल है काफ़ी हैवी होता है, तो अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों को मिला है ये बॉक्स, तो यहाँ पे रखने के बाद जो इन ट्रांजिट क्या होता है, ये PVC का जो यहाँ पे ग्लास टाइप है, यहाँ पे आके बोतल लगता है और ये ग्लास टूट जाता है। मैं लकी हूँ कि मेरा जो ग्लास है वो टूटा नहीं। बोतल के बारे में बात करते हैं तो बोतल देख के ही आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने जो बोतल का डिज़ाइन है ये भी उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है ओद फॉर ग्रेटनेस से। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक काफ़ी हैवी बोतल, ब्लैक कलर का बोतल आएगा आपको, और यहाँ पे आपको प्लेटिंग मिल जाएगा, मेटल प्लेटिंग डिज़ाइन। यहाँ पे वादी अल ओद लिखा हुआ है बाय लताफा, यहाँ नीचे ओद फॉर ग्लोरी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो कैप है इसमें भी आप देख सकते हैं लताफा का ब्रांडिंग है। और यह है इसका एटोमाइज़र जो कि गोल्डन कलर का है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मेटल प्लेट है जहाँ पे वादी अल ओद लताफा ओद परफ्यूम और इसका जो ml है यहाँ पे 100 ml का ये आता है वो दिया हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों, ये एक स्वीट एंड डार्क नोट्स का मिक्स है। तो इसमें जो स्वीटनेस है वो आपको याद दिलाएगा बकरूज जो है उसका याद दिलाएगा, इंस्टेंट क्राश या फिर अजमल का जो एरिस्टोक्रेट फॉर हार होता है उसका आपको याद दिलाएगा, मतलब रिमाइंड करेगा। और जो डार्क नोट्स है इसके वो आपको जो ओद बेस्ड फ्रेंच परफ्यूम्स आते हैं जैसे कि टॉम फोर्ड का ओद वुड, उस टाइप का एक फील आपको दिलाएगा। तो ओवरऑल जो ये परफ्यूम है ये एक लव और हेट टाइप परफ्यूम है, क्योंकि कुछ लोगों को जो इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो मतलब चॉकलेटी काइंड ऑफ लगता है, डार्क चॉकलेट जो होता है उसका स्मेल की तरह एक लगता है। लेकिन कई लोगों को जो है कि ये जो नोट्स है या फिर जो स्मेल है ये एक बार्न टायर का स्मेल आता है। और इसका जो नोट्स है इसमें प्रोमिनेंट नोट्स मुझे मिला है, सेफ्रॉन का मिला है, पचोली जो कि एक ओवरऑल इसको शेप देता है इसका सेंट प्रोफाइल को, और जो ओद इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो लताफा का जो जनरली जो परफ्यूम्स होते हैं उसमें जो ओद इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से वो ओद इस्तेमाल करते हैं वो मतलब इंसेंसी टाइप होता है, लेकिन इसमें जो ओद इस्तेमाल किया गया है, जिस टाइप ऑफ नोट इस्तेमाल किया गया है वो मतलब क्लोज टू नेचुरल जो ओद होता है उस टाइप का एक नोट इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये जो परफ्यूम है ये इसका परफॉर्मेंस
मुझे जो प्रोजेक्शन मिला है वो अराउंड 1 आवर एंड 1.5 आवर्स का मॉडरेट प्रोजेक्शन मिलता है, और इसका जो लॉन्जिविटी है वो 5 to 6 आवर्स का मुझे मिला है। और फॉर ग्रेटनेस है बाई इनिशियल परफॉर्मेंस उसका, तो मतलब पूछो ही मत, एकदम बेस्ट मोड परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप बोल सकते हैं उसका मतलब 50% ये परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इस प्राइस में, इसका जो प्राइस है इंडिया का, इंडिया में ये अराउंड 1500 के आसपास रहता है, उस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। और इस रेंज में ये काफ़ी एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मर है। और अगर बात करूँ दोस्तों कि ये कितना क्लोज है ओड फोर ग्रेटनेस से, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि इन द ईयर, जैसे कि हर क्लोन का होता है, इन द ईयर इतना समझ में नहीं आता है कि डिफरेंट परफ्यूम्स है, जैसे कि क्लब दिन वीट है, एवेंटास है, इन द ईयर आपको वो पहचानने में दिक्कत होता है कि कौन सा परफ्यूम एक बंदे ने लगाया है। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, ये जो ओड फॉर ग्लोरी है ये काफ़ी सिमिलर लगता है मुझे इन द ईयर विथ इनिशियो का ओड फॉर ग्रेटनेस। बट अगर आप क्लोज स्मेल करेंगे तो डेफिनेटली ये जो परफ्यूम है इसमें एक सिंथेटिक वाइब जो है वो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो ओड फॉर ग्रेटनेस है उसमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा आपको। वर्सेटाइलिटी की बात करें दोस्तों, तो ये जो ओड फॉर ग्लोरी है ये ओड फॉर ग्रेटनेस से काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि ओड फॉर ग्रेटनेस जो है ये काफ़ी रेजनस है, क्रीमी टाइप एक परफ्यूम है जो कि आप सिर्फ विंटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको आप विंटर में तो इस्तेमाल कर ही पाएंगे, और साथ में आपको जो कूलर डेज होता है जैसे कि समर के इवनिंग्स, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल, विंटर और समर के कूलर जो इवनिंग्स होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप कैजुअल वेयर या फिर जो फॉर्मल ओकेशंस या फिर पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसका जो नोट है इसमें मुझे एक डार्क चॉकलेटी फ्लेवर भी मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो परफ्यूम है ये सेफ़ नहीं है ब्लाइंड बाई के लिए। तो आप अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार डिकेंट ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर एक बार मुलाकात होगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।